तो कैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में आप पैसा कैसे कमाते हो? 18 मंथ से जो होता है तड़प रहे हैं अफरोज भाई अपना प्रो डेब्यू करने के लिए, और वो सुनहरा मौका आ गया। वेलकम बैक टू बॉडी बिल्डिंग टीवी गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है बॉडी बिल्डिंग टीवी पे। तो दोस्तों आज की फर्स्ट फिजिक अपडेट है वर्धान मल्होत्रा की। तो वर्धान भाई ने एक रीसेंट फिजिक अपडेट शेयर किया दोस्तों, क्लासिक फिजिक डिवीजन टाइप पोजिंग करते हुए। ये वर्धान मल्होत्रा जो है इस साल काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया दोस्तों, इन्होंने अमेचर ओलंपिया में अभिषेक यादव जैसे एथलीट्स को तक उन्होंने बीट कर दिया, और अभिषेक यादव को ब्रॉन्ज मेडल मिला और वर्धान भाई को मिला सिल्वर मेडल। तो अभी उन्होंने रीसेंट फिजिक अपडेट शेयर किया दोस्तों, ये फ्रंट डबल बाइसेप का पोज और बैक डबल बाइसेप का पोज। तो इस पोज के नीचे पोस्ट के नीचे हमने कमेंट किया था कि भाई क्लासिक भी ट्राई करोगे क्या, तो वर्धान भाई ने रिप्लाई किया यस श्योरली। तो इसका मतलब वर्धान मल्होत्रा मेंस फिजिक एथलीट होने के साथ साथ क्लासिक फिजिक डिवीजन में भी हमको देखने को मिल सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में इस एथलीट को 100% प्रो कार्ड मिलेगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी ये इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं अपने फिजिक में, और काफ़ी अच्छी और मेच्योर इनकी फिजिक है दोस्तों। इनकी फिजिक आपको कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं तरुण गिल के बारे में। तो तरुण भाई द चमत्कार वाले भाई, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया दोस्तों उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर कि पैसे कैसे कमाते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, कुछ टिप्स दिए दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो कैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में आप पैसा कैसे कमाते हो, तो मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ हमारे नूर भाई। तो नूर भाई और हमने शुरू करी जब से ट्रांसफॉर्मेशन, नूर भाई के कितने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार। हाँ, जब शुरू कर दिया 8-10 हज़ार थे, और अब कितने भाई 100 के होने वाले हैं। हाँ, 100 के होने वाले हैं। इससे आपको क्या पता लगता है, सिंपल तीन चीज़ें जो आपको चाहिए फिटनेस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए। नंबर वन, एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, बताइए जो आपके पास नॉलेज है। नंबर टू, नॉलेज, और नंबर थ्री इज बॉडी गाइस। अब इस तीनों पैरामीटर्स को याद रखना, पहले बॉडी नहीं, पहले कुछ नहीं, सबसे पहली स्किल जो आपको चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करो यार। जैसे भाई करा हमारे सारे वीडियोस में करते चले आ रहे हैं, जितना अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे लोग आपसे जुड़ेंगे, और आप उतना ही ब्रांड से जुड़ोगे एंड यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या तरुण गिल भाई साहब का कहना ठीक है? और मुझे लगता है कि अगर आप फिजिक डेवलप करते हो, अगर एक्सप्रेस करते हो खुद को, तो सही बात है तरुण गिल भाई साहब की। आपके थॉट, आपके विचार तरुण गिल भाई साहब के बारे में कमेंट करते जाओ यार, बताते जाओ, आप उनके फ़ैन हो तो लिखते जाओ यार कमेंट बॉक्स में, कमेंट में जितने अच्छे आते हैं उतना मुझे अच्छा लगता है। और अब चलते हैं बिग न्यूज़ की तरफ। तो अफरोज़ खान IFBB प्रो अफरोज़ भाई ने और सिद्धांत जायसवाल सर ने एक लाइव किया दोस्तों आज, और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि वो कौन से प्रो शो में कम्पीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना दोस्तों, और देख के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। पूरी आ रही है ना, सन्नाटे को चीरती सनसनी। So we are 12 weeks out. तो अनाउंसमेंट ये है कि बताएंगे अफरोज भाई कितना टाइम हो गया आपको प्रो कार्ड जीते हुए? 18 months. 18 months. Nice. 18 months से जो होता है तड़प रहे हैं अफरोज भाई अपना प्रो डेब्यू करने के लिए, और वो सुनहरा मौका आ गया। अभी हम लोगों ने ऑफ सीजन किया अच्छे से जम के, और अभी तक का सबसे बिगेस्ट वर्जन हुआ अफरोज भाई का। कितना बॉडी वेट गया? बॉडी वेट नियर अबाउट 88 पहुंचा, और ये बता दूं कि जितना इस ऑफ सीजन में मैंने खाया अपनी लाइफ में इतना कभी नहीं खाया है। अच्छा। हर मील के बाद भाई को बोलता था भाई अब गले में नहीं जा रहा है, तो भाई वीडियो भेजते थे कि देखो ये आदमी कैसे खा रहा है, ऐसे खाना है, तो फिर थोड़ा थोड़ा छूटना पड़ता था, बट कोई नहीं, बहुत मजा आया क्योंकि डाइट के साथ जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा था तो काफी ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट भी था हमें कि फटाफट अप कट डाउन कर एक प्रोसो को फाइनल भी करना है। तो फाइनली हमने एक प्रोसो डिसाइड कर लिया है, और वो प्रोसो कौन सा है वो सिद्धांत भाई बताएंगे आपको। तो प्रोसो है सियोल कोरिया में ग्रैंड टिक्स, जो कि लास्ट रायन टेरी ने जीता था, और इस बार जो होता है अफरोज भाई जाएंगे सियोल कोरिया में, जिसके लिए हम लोग टोटल 12 वीक्स आउट हैं, और शो है 20 मार्च को साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया में अफरोज भाई पहले भी एमेच्योर शो खेल चुके हैं, तो हम लोगों ने इसके लिए डिसाइड किया कि वहां पे थोड़ा सा कंफर्टेबल पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह अपने को उतना इशू नहीं आएगा।
पहले भी जा चुके हैं, थोड़ा सा इशू है। लास्ट टाइम का आप अपना बताना अफरोज भाई, कैसा एक्सपीरियंस था जब आप प्रो क्वालिफायर खेलने गए थे और इस बार आप प्रो शो के लिए जाओगे? लास्ट टाइम मैं जब गया था तो मैं सेकंड आया था। वहाँ कुछ एक इशू नहीं, खाली लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि इंग्लिश वहाँ किसी को नहीं आती। अगर इंग्लिश में हम लोग एड्रेस भी किसी को दिखाते तो समझ में नहीं आता। इवन मैं, मुझे चिकन खानी थी तो मैं चिकन खाने गया तो उनको चिकन बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनको मुर्गे की फोटो दिखाई तो उन्होंने कहा चीची चीची, मैंने कहा यस चीची। जब मैं चिकन खाया तो चिकन के पीस बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े थे। एक दिन खाया, दो दिन खाया, तीसरे दिन मुझे लगा यार ये चिकन यहाँ ऐसे कैसे हो सकते हैं। जब मैं उनके किचन में जाके देखा तो वो चिकन नहीं थी, वो बतख था, डक। तो हम लोग इस बार जो होता है चिकन के साथ साथ डक का भी न्यूट्रिशन निकाल के लेके चलेंगे कि अगर चिकन नहीं मिला तो डक से जो होता है अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जाएगा। और डक को निकालू कैसे, सो रहा हूँ तो आवाज आ रही थी। क्योंकि क्योंकि स्टेज पे जाएंगे तो हम लोग बोल नहीं सकते ना कि यहाँ पे चिकन नहीं मिला, यहाँ पे ये मिला वो मिला। अब स्टेज पे जाना है, अपने को बेस्ट टू बेस्ट जो होता है अपना देना है वहाँ पे। तो जो भी होगा हम लोग प्लान करेंगे, होता है तो वन वीक पहले जो होता है वहाँ पे पहुंच जाए और सारा सब कुछ वहाँ पे देखें। और अगर यार आप लोगों का कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव साउथ कोरिया में होगा जो कि हम लोगों की हेल्प कर सकता है तो और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा, ताकि वहाँ पे जाए, स्टे करे और अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह भी कर पाए, सब कुछ कर पाए। मतलब अभी से जो प्रेप अपना रहेगा तो प्रेप में अपना सब कुछ की जो होता है स्टे करने से लेके और वहाँ पे ट्रेनिंग करने से लेके हर एक चीज वहाँ पे रेडी होके जाए अपना पूरी तरीके से, बेस्ट टू बेस्ट है। काफी लोगों को शिकायत थी और मुझे मैसेज भी करते हैं कि प्रो कार्ड जीतने के बाद मैंने प्रो शो नहीं किया। तो मैंने 2020 में मैंने 1 मार्च को प्रो कार्ड जीता था और मेरा टारगेट था जून जुलाई में मैं अपना पहला प्रो डेब्यू करूंगा, बट 19 मार्च को कोविड, ये कोरोना आ चुका था तो वो ईयर पूरा बेकार गया। फिर मैंने डिसाइड किया 2021 में करूंगा, बट मुझे खुद कोविड हो गया और उसके बाद भाई के गाइडेंस में गया, मुझे एक काफी इंप्रूवमेंट भी दिखा कोविड के बाद, अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट फॉर्म है। उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ जिसके वजह से पीछे मेरे 6 स्टिच आए सर के पीछे, फिर भी रुका नहीं था। मेरी डाइट और मेरी वर्कआउट वो मैंने कंटिन्यू रखी थी और अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कट डाउन में अपने न्यू फिजिक को देखने के लिए, क्योंकि ऑफ सीजन इतना अच्छे से किया हुआ है तो अब उसका बेनिफिट अपने को दिखेगा ही दिखेगा। जैसे कि बोलते हैं कि अपना गेम जो है वो 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का नहीं है, ये पूरे सालों साल का है। तो पूरे सालों साल जितनी भी डिफिकल्टी आई अफरोज भाई को, सारे डिफिकल्टी को फेस किया, उसके बाद भी जो होता है अपना बेस्ट टू बेस्ट दिया है और अब टाइम आ गया है जो पॉलिश करके स्टेज पे चढ़ने का। तो 12 वीक्स है, सारे लोग बेस्ट विशेस दीजिए अफरोज भाई को, हम लोग साथ में मिल के जो होता है अच्छे से अपना मेहनत करेंगे और डेफिनेटली जो होता है सियोल कोरिया में वन शॉट में ही, सपना तो यही है और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, तो वन शॉट में ही जाके जो होता है ओलंपिया क्वालिफाई करें, यही चीज़ है। और अफरोज भाई के अंदर वो पोटेंशियल भी है और उन्होंने वैसा मेहनत किया है, जैसा विक्की मलिक भाई बोलते हैं पोटेंशियल, तो यस अफरोज भाई के अंदर पोटेंशियल है और झंडे गाड़ेंगे। बस अपना बेस्ट विशेस दिए आप लोग, यही अपडेट देना था अफरोज भाई के प्रो डेब्यू के बारे में।